अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वह मटन के शामी कबाब की। उसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उस पर मैंने लिया है मटन का कीमा 1 kg। आप लोग यहाँ पे बीफ का कीमा और चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी जो कबाब की रेसिपी है वो सेम होगी। अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर धो लिया है मटन के कीमे को। दाल है मेरे पास 1 kg, जो मैंने 1 घंटा पहले से ही पानी में डिप करके रख ली थी। 1 कटी हुई प्याज, लहसुन अदरक की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, साबुत मसालों में दालचीनी के 2 टुकड़े, 8 से 10 काली मिर्चों एंड करी पत्ता। स्पाइसेस में जो चीज़ें मुझे चाहिए वो हैं नमक 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया पीसा हुआ 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, चुटकी 2 चुटकी जो है वो हल्दी, और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। एक देचकी में हम लोग 1 जग पानी का ऐड करेंगे, साथ ही अपनी दाल ऐड करेंगे एंड मटन का कीमा। प्याज ऐड करेंगे, लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करेंगे एंड सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे और साबुत मसाले अपने ऐड करेंगे। अब हमने यहाँ पे अपनी दाल को तकरीबन 1 घंटा पकने देना है। यहाँ पे जो है हमारे जो कबाब का था पानी वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, दाल और कीमा भी हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब हमने जो साबुत मसाले डाले थे जिसमें कि करी पत्ता और दालचीनी, हम लोगों ने निकाल लेने हैं। एक चॉपर में डालेंगे और अच्छी तरह से अपने सारे जो कबाब का मटेरियल उसको चॉप कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारे सारे कबाब का मटेरियल चॉप हो चुका है, इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून गरम मसाला और ज़ीरा, बारीक पुदीना और बारीक कटी हुई 2 अदद प्याज, नमक ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक। मुझे कम लगा था इसलिए मैंने ऐड किया, आप लोग भी चेक कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक और आप ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं जो स्टेप कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जो कबाबों को है ना कोयले की स्मोक दूंगी और इससे बहुत ही अच्छा कबाबों का टेस्ट आ जाता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट्स में बताइएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इनके कबाब बना लेंगे। यहाँ पे हमारे सारे कबाब जो हैं वो रेडी हैं। अब हम लोग इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़े से कबाब फ्राई करके भी दिखाती हूँ। अंडा लेंगे और अंडे में डिप करके अपने कबाब को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। रेडी हैं हमारे मटन के शामी कबाब। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।